العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله صلي على محمد وعلى محمد وعجل فرج بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والحبذ العصف والريح
خلق الإنسان من صلصال كالفقار وخلق جان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشعات في البحر كالعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان السماوات والأرض كل يوم هو في الشأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنقرئك لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا مشعر الجن والإنس إن استعرتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي
وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. ये थे जनाब खुमैनी साहब जो तिलावत कलाम रब्बानी से मजलिस का आगाज कर रहे थे। ये मजलिस बराए पंजुम शाही मस्जिद के पेशिमा की अहलिया मरहुमा की मुनक्किद है। इस मजलिस को आली जनाब मौलाना इज्जत बाब आफ्ताब शरीयत इमाम जुमा वल जमात सैयद कलबे जवाद साहब हमला खिताब फरमाएंगे। मजलिस का आगाज अवलन तिलावत कलाम रब्बानी से हो चुका है। शुरा कराम मारगा है मौला में अपना मजलूम नजराने अकीदत पेश करने जा रहे हैं। आइए मैं इसी के साथ गुजारिश करता हूँ जनाब रेहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारगा है मौला में अपना मजलूम नजराने अकीदत पेश करें। आप इनका इस्तकबाल बाबाज़े बुलंद नारे सरवाज से करें। एक मतलब और चंद शेरे के मौला अब्बास के हवाले से पेश किया। ये शुजात का करिश्मा मेरे अब्बास का है, ये शुजात का करिश्मा मेरे अब्बास का है, ये शुजात का करिश्मा मेरे अब्बास का है। आज भी घाट पर कब्जा मेरे अब्बास का है, आज भी घाट पर कब्जा मेरे अब्बास का है। हैबते हजरत अब्बास को देख यजीद, हैबते हजरत अब्बास को देख यजीद, हैबते हजरत अब्बास को देख यजीद। मेरी फौजों में भी चर्चा मेरे अब्बास का है, तेरी फौजों में भी चर्चा मेरे अब्बास का है। हैबते हजरत अब्बास को देख यजीद, हैबते हजरत अब्बास को देख यजीद। तेरी फौजों में भी चर्चा मेरे अब्बास का है, तेरी फौजों में भी चर्चा मेरे अब्बास का है। मौत के मुंह से मरीजों को बचा लाता है, मौत के मुंह से मरीजों को बचा लाता है। जिन दुआओं में वसीला मेरे अब्बास का है, जिन दुआओं में वसीला मेरे अब्बास का है। रख ना पाएंगे कदम दुश्मन शबीर वहां, रख ना पाएंगे कदम दुश्मन शबीर वहां। सारी जन्नत का इलाका मेरे अब्बास का है, सारी जन्नत का इलाका मेरे अब्बास का है। जब भी कुरान में आता है कहीं लफ्ज वफा, जब भी कुरान में आता है कहीं लफ्ज वफा, जब भी कुरान में आता है कहीं लफ्ज वफा। मैं समझता हूँ कसीदा मेरे अब्बास
मैं समझता हूँ कसीदा मेरे अब्बास का है। नारे सलवात। ये थे रेहान सल्लल्लाहु जो बारगाह है मौला में अपना मज़लूम नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। आइए मैं इसी के साथ गुजारिश करता हूँ जनाब कामरान सल्लल्लाहु से के वो आए बारगाह है मौला में अपना मज़लूम नजराने अकीदत पेश करें। आप इनका इस्तकबाल बाबाज़े बुलंद नारे सलवात से करें। अपना खंजर न किसी वार से डर लगता है, अपना खंजर न किसी वार से डर लगता है, एक शबीर के खुदार से भी डर लगता है, एक शबीर के खुदार से डर लगता है। इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है जियाद, इसलिए कैद में मुख्तार को रखता है जियाद, सारी दुनिया को आज़ादार से डर लगता है, सारी दुनिया को आज़ादार से डर लगता है। साथ चलने की न हिम्मत न जुर्रत न सिफत, साथ चलने की न हिम्मत न जुर्रत न सिफत, जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है, जुल्म को सब्र की रफ्तार से डर लगता है। हथकड़ियाँ भेड़ियाँ इस बात का देती हैं सबूत, हथकड़ियाँ भेड़ियाँ इस बात का देती हैं सबूत, किस कदर आबिदे बीमार से डर लगता है, किस कदर आबिदे बीमार से डर लगता है। उसकी तलवार जो उठती तो कयामत होती, उसकी तलवार जो उठती तो कयामत होती, जिसकी जंजीर की झनकार से डर लगता है, जिसकी जंजीर की झनकार से डर लगता है। वाकया ये भी है तारीख के पहलू में अजब, वाकया ये भी है तारीख के पहलू में अजब, एक हाकिम को गिरफ्तार से डर लगता है, एक हाकिम को गिरफ्तार से डर लगता है। या तो चुप जाए निशा इसलिए लंबा है गिलाफ, या तो छिप जाए निशा इसलिए लंबा है गिलाफ, या तुम्हें काबे की दीवार से डर लगता है, क्या तुम्हें काबे की दीवार से डर लगता है। मुझसे डरता है जमाना ये कहा मरहब ने, मुझसे डरता है जमाना ये कहा मरहब ने, और मुझे हैदर कर्रार से डर लगता है, और मुझे हैदर कर्रार से डर लगता है। कासिमो अकबरो अब्बासो हुसैन इब्ने अली, कासिमो अकबरो अब्बासो हुसैन इब्ने अली, देख नौ लाख को इन चार से डर लगता है, देख नौ लाख को इन चार से डर लगता है। कोई झूठा भी यहाँ खाता नहीं झूठी कसम, कोई झूठा भी यहाँ खाता नहीं झूठी कसम, सबको अब्बास के दरबार से डर लगता है, सबको अब्बास के दरबार से डर लगता है। बोली जैनब कि डरो शाम के हाकिम से तुम्हें, बोली जैनब कि डरो शाम के हाकिम से तुम्हें, क्योंकि मक्कार को मक्कार से डर लगता है, क्योंकि मक्कार को मक्कार से डर लगता है। सलवात। ये थे जनाब कामरान साहब जो बारगाह मौला में अपना मज़लूम नजराने अकीदत पेश कर रहे थे। आइए मैं गुजारिश करता हूँ जनाब नौहा खान रिजवान साहब से कि वो आए बारगाह मौला में अपना मज़लूम नजराने अकीदत पेश करें। नारे सलवात। जहान से जब बिनते मुस्तफा, रोई जमीन अर्श पा मातम हुआ बपा, खुद मुर तो जान बीबी को बस लो कफन दिया, देखा हुसैन ने जो जनाजा बुतूल का, आंखों में अश्क होठों पे नौहा पाएंगे था फत के गम में ये नौहा हुसैन का, अम्मा बगैर आपके हम जीना पाए।
अलम से भरा हुआ। नाना गए अब आप भी हो जाएंगी जुदा, हम अपने दिल पदावे कैसे उठाएंगे। अम्मा अम्मा बगैर आपके हम जी न पाएंगे। होगा हर एक लम्हा हमारे लिए मुहाल, हम सब का कौन रखे गबाद आपके ख्याल। दिल हो गशक जवाब के हुजरे में जाएंगे। अम्मा के हम जी न पाएंगे। ढूंढेगा सिर्फ आप को ये गम कमर दिल, दुनिया में अब कहीं ना लगेगा हमर दिल। आंसू बहे के हम जी न पाएंगे। दुनिया में कौन नाल हमारे उठाएगा, जब आपनी न होगी तो फिर सोचिए जरा। माँ कहे के अपने घर के हम जी न पाएंगे। साफत मर के गम में ये नौहा हुसैन का, अम्मा बगैर आप के हम जी न पाएंगे। ये थे नवाब खान रिजवान साहब। आइए मैं गुजारिश करता हूँ आलिम नकवी साहब हमला से के वो आए बारगाह मौला में अपना मज़मून नज़रानी अकीदत पेश करें। एक नारे सलवार एक दूत भेजे मोहम्मद आलिम मोहम्मद चाय में से हाजिर खिदमत कर रहा हूँ बारगाह फजलबाद में। कि दिल मचलता था जगी का इस दिन सरवर चाहिए, दिल मचलता था जगी का इस दिन सरवर चाहिए, और जोश कहता था कि हमको बाबे खैबर चाहिए। दिल मचलता था जगी का इस दिन सरवर चाहिए, और जोश कहता था कि हमको बाबे खैबर चाहिए, और करके कब्जा नहर पर अब्बास ने दिल में कहा ऐ सकीना मश्क होगी या समंदर चाहिए, ऐ सकीना मश्क होगी या समंदर। दूध भेज मोहम्मद चार मुझे हाजिर खिदमत कर रहा हूं कि यारब मेरे हाथों में अब्बास का अलम, यारब मेरे हाथों में अब्बास का अलम हो, दम निकले अगर मेरा तो माहे महरम हो, दम निकले अगर मेरा तो माहे महरम हो। कुरान पढ़ा जाए मैयत पर मेरी, लेकिन एक दूर भेजे मोहम्मद आलम मोहम्मद पर
है सरवार। एक बार आवाज से नारे सरवार भेजो। यारब मेरे हाथों में अब्बास का आलम हूँ, यारब मेरे हाथों में अब्बास का आलम हो, दम निकले अगर मेरा तो माहे मोहर्रम हो, दम निकले अगर मेरा तो माहे मोहर्रम हो, कुरान पढ़ा जाए मैयत पर मेरी, लेकिन उठे जो जनाजा तो शब्बीर का मातम हो, उठे जो जनाजा तो शब्बीर का मातम हो। और दूध भेजे मोहम्मद आमिर मोहम्मद बच्चा से कि सारी दुनिया को अता कर दे जो हाथों के बगैर, सारी दुनिया को अता कर दे जो हाथों के बगैर, ये सफ़त खालिक की है या मौजिज़ा अब्बास का, सारी दुनिया को अता कर दे जो हाथों के बगैर, ये सिफत खालिक की है या मौजिज़ा अब्बास का, और ऐसा कर दे भाई पर भाई फिदा होने लगे, ऐसा करते भाई पर भाई फिदा होने लगे, अरे मेरे बाबू तुझको वास्ता अब्बास का। ये थे आलिम नकवी साहब। आइए मैं गुजारिश करता हूँ जनाब रईस रिजवी साहब तबला से के वाय बारगा है मौला में अपना मजमून नजराने अकीदत पेश करें। नारे सलवार रईस भाई थोड़ा मुख्तसर एक दुरूद इरशाद फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शहजादी फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम के हवाले से अजम फातिमा का रब फातिमा का, अजम फातिमा का रब फातिमा का, अजम फातिमा का अरब फातिमा का, ये सारा जहां तो है अब फातिमा का, ये सारा जहां तो है अब फातिमा का, है उम्मे अभी हाल कब फातिमा का, है उम्मे अभी हाल कब फातिमा का, नबी ने किया है अदब फातिमा का, नबी ने किया है अदब फातिमा का। मक्ता मुलादा फरमाए रईसो कमर दुश्मने अहले हक पर, रईसो कमर दुश्मने अहले हक पर, सरे हश्र हो का गजब फातिमा का, सरे हश्र हो गा गजब फातिमा। ये थे रईस रिजवी साहब। आइए मैं गुजारिश करता नवा खान शब्बी साहब से कि वो आए बारगाह है मौला में अपना मजलूम नजराने अकीदत पेश करें। नारे सलवार जब खातिमा बख़ैर हुआ फौज शाह का, कौसर पा काफिला का, घर लुट गया जनाबे रिसालत पनाह का, खाकुड़ रही तिहाल था
लाई जेरे तेग है बाबा मेरा पिसर जैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर उन्नीस सौ है जख्म तने चाक चाक पर ये थे जनाब शब्बीर साहब। आइए मैं गुजारिश करता हूँ जनाब रिजवान हसन साहब से कि वो आए बारगाह मौला में अपना वज़ू नजरानी अकीदत पेश करें। हुआ जो इश्क़े सनाए अबू तुराब मुझे खुदा ने कर दिया जर्रे से आफ्ताब मुझे और जमीन हिंद में मिट्टी मेरी खराब ना हो करो नजफ में तलब या अबू तुराब मुझे किए जो आके नकी रहने ने सवाल अनीस बता दिए मेरे मौला ने सब जवाब मुझे। आइए मैं गुजारिश करता हूँ बादब एहतराम आफ्ताब शरीयत आली जनाब मौलाना सैयद कलब जव्वाद साहब कबला से कि वो आए रौनक अफरोज़ में बरखो मजलिस खता फरमाए। आप इनके इस्तकबाल में बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़े आली जनाब मौलाना सैयद कलब जव्वाद साहब की सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलवात नारे हैदरी बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात फातिहा। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم सलवात भेजे पर गुजारिश एक मरतबा सूरह हम्द और तीन मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहुमा की रूह को सलमानों से खिताब का जुर्माना तो यूँ टहलते चले जा रहे देख रहे सामने पुलिस वाला जल्दी से जब से मास्क गार लगा ली 500 रुपये जुर्माना हो जाएगा खासकर जो गाड़ियों में बैठे उन पर ज़्यादा सख्त है तो मालूम इधर पुलिस देखी उधर इंसान कानून की पाबंदी करने लगा और इधर खौफ हटा उधर कानून टूटा है कि नहीं है, है कि नहीं है। जब बिजली कटने का खौफ होता है तभी बिजली का बिल अदा किया जाता है जब टेलीफोन डिस्कनेक्ट होने का खौफ होता है तब टेलीफोन का बिल अदा किया जाता है जब कुर्की आने का खौफ होता है तब हाउस टैक्स अदा होता है तो इसका मतलब कि दुनिया के हर कानून खौफ के ज़रिए से चलता है। इस्लाम में भी कानून है खौफ है पूरी तवज्जो चाहूँ खौफ है मगर दुनियावी खौफ से कहीं बलंतर खौफ है
जो इस्लाम ने पैदा किया है। दुनिया का कानून स्वच्छ चलता है कि जब कानून का रखवाला सामने मौजूद हो, अगर रखवाला नहीं है तो कानून टूट जाता है। लेकिन तकवा उसको कहते हैं, बहुत तवज्जो रहे, तकवा उसको कहते हैं कि अकेला घर क्यों ना हो, अंधेरा कमरा क्यों ना हो, चराग बुझावा क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी इंसान को एक खौफ रहता है, इंसान को एक खौफ रहता है कि कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, मगर अब भी कोई है जो देख रहा है। एक सलवात भेजे बता रहा इसको कहते हैं तकवा। ये है तकवा। तकवा झुक झुक के सलाम करने को नहीं कहते हैं, अरे साहब बड़े मुत्तकी परहेज़गार हैं, बड़ी मोहब्बत से बहुत झुक के मिलते हैं, तकवा ये सब नहीं है। तकवा ये है कि अकेले में भी अल्लाह से डरता हो, तन्हाई में भी अल्लाह से डरता हो, पहाड़ की चोटी पर भी हो तो अल्लाह से खौफ हो, जंगलों के सन्नाटे में भी हो तब भी अल्लाह का खौफ हो, इसको कहते हैं तकवा। और कुरान में बेहतरीन मिसाल मौजूद है जो आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सारे महल के दरवाजे बंद हैं, अरे तवज्जो है, सारे महल के दरवाजे बंद हैं, सात कुफ सात दरवाजे सातों मुकफ्फल हैं, अकेला कमरा है, तन्हाई है, यूसुफ है और ज़ुलैखा है, तवज्जो है। कुरान की बेहतरीन मिसाल आपके सामने पेश करूँ कि यूसुफ है और जनाब यूसुफ है और ज़ुलैखा है। ज़ुलैखा ने दावत गुनाह दी, जनाब यूसुफ पीछे हट रहे हैं, ज़ुलैखा आगे बढ़ रही है। और यहाँ के ऊपर है कि ज़ुलैखा ने बुत ताक के ऊपर बुत रखे हुए थे, ताक के ऊपर बुत रखे हुए थे, ज़ुलैखा आगे बढ़ी, उन बुतों पर पर्दा डाल दिया, उन बुतों पर पर्दा डाल दिया। अब जनाब यूसुफ को हिदायत का मौका मिल गया, कहे ज़ुलैखा तुमने इन बुतों पर पर्दा क्यों डाला, इन बुतों पर क्यों पर्दा डाला। ज़ुलैखा जवाब देती है, यूसुफ ये हमारे खुदा हैं, ये हमारे खुदा हैं, इनके सामने मुझे गुनाह करते शर्म महसूस हो रही है, लिहाजा मैंने इन पर पर्दा डाल लिया ताकि गुनाह करते मुझे देख ना सके। मैंने इन बुतों पर पर्दा डाल दिया कि गुनाह करते मुझे देख न सके, इसीलिए मैंने इन पर पर्दा डाल दिया। यूसुफ फरमाते हैं, ए ज़ुलैखा वो तुम्हारा खुदा है जो पर्दों में छुप जाया करता है, वो मेरा खुदा है जो हर पर्दे में देखा करता है, और जब तुम अपने झूठे खुदाओं से डर रही हो तो मैं अपने हकीकी खुदा से क्यों ना डरूं। एक सलवात भेजे बता रहा हूँ, इसको कहते हैं तकवा। यह है परहेजगारी, और जितना तकवा बढ़ता जाएगा उतनी ही निगाह कुदरत में इज्जत शर्फ और मर्तबा बढ़ता चला जाएगा। अब चाहे वो खातून हो चाहे वो मर्द हो, अगर वो बात तकवा है तो उसका इज्जत है, उसकी इज्जत है, उसका वक़ार है, उसका शर्फ है। मैं चाहता हूँ कि एक खातून का तज़किरा हो जाए जो कायनात की चार बेहतरीन ख़वातीन में कुदरत ने जिन्हें मुंतखब किया है, दुनिया की चार बेहतरीन ख़वातीन में इनको मुंतखब किया है, उनका नाम है खदीजतुल कुबरा। सलवात भेजे ज़्यादा तफसील अर्ज करने का मौका भी नहीं है और तफसील पेश भी नहीं करना है। जो मलीकतुल अरब हैं जिनके ख़जाने और जिनकी तजारत पूरे अरब में फैली हुई है, कितनी दौलत थी कितना क्या था, उसके अलग अलग मुख्तलिफ रवायतें उसको नियर्स करना है। लेकिन बहरहाल मलीकतुल अरब का लकब मिलने ही इस बात का सबूत है कि अरब की सबसे दौलतमंद खातून थी। अरब की अब दौलत कितनी थी इसमें तो रवायत अलग अलग है, लेकिन मलीकतुल अरब होने में कोई इख्तलाफ नहीं है, लिहाजा मलीकतुल अरब यानी मलिका, अरब की मलिका। लेकिन किरदार बुलंद है, शख्सियत बुलंद है, बातकवा है, बाकिरदार है।
लिहाजा सुना हुजूर सरवर कायनात मोहब्बत कि बड़ा अमीर शख्स है, बड़ा दयानतदार है, बड़ा सच्चा शख्स है। यकीनन इसका मतलब कि कुछ धोखा उन्होंने कुछ लोगों से खाया होगा, तभी किसी अमीर की तलाश थी उनको, कभी किसी सच्चे की तलाश थी। खबर मिली, अपना गलाम मैसरा से कहा कि जाओ, और अपना कि अभी रसालत का ऐलान तो है नहीं, अभी नबूवत का ऐलान तो है नहीं, तो अब ना कोई रसूल कह रहा है ना तो कोई नबी कह रहा है, बल्कि सब लोग नाम लेकर पुकार रहे हैं। जाओ मोहम्मद से कहो कि मैं मिलना चाहती हूँ उससे, मैं मुलाकात करना चाहती हूँ। वक्त मुलाकात तय हो गया कि फला वक्त जो है वो रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। बहरहाल उसमें तो रसूल तो अब कहा जा रहा है, उस वक्त तो नहीं मालूम था किसी को कि रसूल है। तशरीफ़ लाएंगे, जनाब खदीजा ने अपने ग़ुलामों से कहा, नौकरों से कहा कि देखो बेहतरीन इस्तकबाल का इंतज़ाम रहे। वहाँ पर मैदान में उनके खेमे नस्ब थे, क्या देखो ऐसा होना चाहिए, धूप ज़ाहिर अरब की बस शदीद होती है, धूप बहुत तेज़ गर्मी होती है, क्या देखो इस तरह से इंतज़ाम करो कि धूप छन कर अंदर आने ना पाए और मोहम्मद को कोई अजियत और कोई तकलीफ धूप से न होने पाए, लिहाजा ऐसा बेहतरीन इंतज़ाम होना चाहिए, अब बिल्कुल ज़बरदस्त इंतज़ाम होना चाहिए। अब रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाने लगे, खबर कर दी मैसराने के मोहम्मद तशरीफ़ ला रहे हैं, मोहम्मद तशरीफ़ ला रहे हैं। जैसे ही रसूलुल्लाह करीब पहुँचे, जनाब खदीजा को अंदाज़ा हुआ कि खेमे के अंदर धूप छन के आ रही है, खेमे के अंदर धूप छन कर आ रही है। आपकी पेशानी पर शिकन पड़ गई, मैसरा से कहा, मैसरा तुमसे कहा था मैंने कि देखो ऐसा इंतज़ाम होना चाहिए कि बाहर की धूप अंदर ना आने पाए ताकि मोहम्मद को अजियत तो तकलीफ़ ना हो, ये कैसी धूप आ रही है। मैसरा ने कहा कि या खदीजा ये धूप नहीं है, ये मोहम्मद के चेहरे का नूर है। एक सलवात भेजे रसूलुल्लाह तशरीफ़ लाते हैं, गुफ्तगू होती है, क्या मैं चाहती हूँ कि आप मेरा सामान तजारत लेकर जाएँ शाम मुख्तलिफ इलाकों में। कहा कि हाँ मुझे मंजूर है, ये तय हुआ नफ़ा कितना होगा, ये मुआहदा होना ज़रूरी है, ये यहाँ वो इस्लाम में ये नहीं है कि बस यूँ ही हवा में हो जाए मामला, बल्कि भाई भाई में भी अगर कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो एग्रीमेंट पूरे माहदे के साथ होना चाहिए, गवाहों के दस्तखत होना चाहिए, वरना हमेशा लड़ाई भाइयों भाइयों में हो जाती है। इसीलिए कि आपस ही मोहब्बत की वजह से कोई एग्रीमेंट नहीं हो, बाद में इख्तलाफ पैदा हो गए, गलत फहमियाँ पैदा हो गई, लिहाजा एग्रीमेंट दस्तखत शुदा गवाहों के साथ ज़रूरी है। ये तो इस्लाम का हुक्म है, ये कुरान का हुक्म है। तो माहदा हो गया, एग्रीमेंट हो गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कोई हराम चीज़ न खरीदूंगा न बेचूंगा, कोई भी हराम चीज़ न खरीदूंगा न बेचूंगा। हलाल चीज़ खरीदना भी है, हलाल चीज़ बेचना भी है। और जनाब इससे अंदाजा होता है कि दीन हनीफ के ऊपर थी जनाब खदीजा का ए मोहम्मद मेरा पहले से कानून यही है। एक सलवात भेजे बना, आप तशरीफ़ ले जाएं। और मैसरा से कहा, ए मैसरा देखो इनके साथ साथ रहना और एक एक पल की खबर रखना कि क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या अमल कर रहे हैं। देखो इनका ये मुतीओ फर्माबरदार रहना, इनके एक 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 लफ्ज़ की तुम तामील करना और एक एक हुक्म की तामील करना। अगर ये नफ़े पर बेचे मेरा सामान तो नफ़े पर बेचने पर तैयार हो जाना, और अगर घाटे पर बेचे तो घाटे पर भी भेज देना, एतराज़ का हक तुम्हें नहीं है, एतराज़ का हक तुम्हें नहीं है। लिहाजा इनकी इताअत करते रहना, इनकी इताअत करते रहना, इनके नक्शे कदम पर चलते रहना, जिधर जिधर जाएं उधर उधर तुम इनके साथ रहना। और उसके बाद यानी मैसरा को रसूल की इताअत की तालीम दे रही हैं कि देखो रसूल की इताअत करते रहना, मोहम्मद की इताअत करते रहना, और मुझे पूरा वाक़या शुरू से आखिर तक जाने आने का पूरे का पूरा आकर उसी तरह से बयान कर देना, इसमें एक लफ्ज़ की कमी बेशी ना हो। रसूलुल्लाह वापस तशरीफ़ लाते हैं, इतना नफ़ा हुआ, इतना नफ़ा हुआ जो इससे पहले कभी तजारत में नहीं हुआ था, इतना नफ़ा हुआ। जनाब खदीजा ने ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा देना चाहा, रसूल ने फरमाया जैसा मुआहदा हुआ है वो उससे एक दिरहम ज़्यादा नहीं लूँगा। एक सलवात भेजे बनावा, वायदा हो गया उसे एक दिरहम ज्यादा
मुझे नहीं लेना है। कहा मैं सर ये बताओ कि तुमने क्या देखा। क्या अजीब गरीब शख्सियत है, एक ऐसा अजीम इंसान है जो तसव्वुर से बाहर है। मैं देख रहा था कि जिधर से गुजरते थे दरख्त सलाम करते थे, जिधर से गुजरते थे पत्थरों से सलाम की आवाज़ आती थी, और मैं देख रहा था कि एक अब्र इनके ऊपर साया फिगर रहता था कि इनके ऊपर धूप ना आने पाए, इनके ऊपर धूप ना आने पाए, एक अब्र साया फिगर रहता था पूरे रास्ते, एक अब्र साया फिगर रहा। नहीं नहीं, फर्क बताना चाहता हूँ आपको, बच्चों से और जवानों से मेरी गुजारिश है गौर करें कि जनाब सुलेमान पैगंबर के लिए भी कुरान में मौजूद है कि जब जनाब सुलेमान पैगंबर निकलते थे तो अब जो साया हो जाता था वो परिंदे साया करते थे, परिंदे साया करते थे, कुरान में मौजूद है कि एकदम से हल्की सी धूप पड़ी जनाब सुलेमान पैगंबर पर। अब जो निगाह उठाकर देखी तो देखा वो जगह खाली है जहाँ हुदूद हुआ करता था, और वहीं से धूप आ रही है, वहीं से धूप आ रही है। गज़बनाक हो गए, गुस्से में आ गए, ये हुदूद कहाँ चला गया, अरे मुझे तकलीफ़ पहुँच रही है, इस धूप से तकलीफ़ पहुँच रही है, इसका मत बहुत तवज्जो रहे साहिबान ज़ौक़ है, इसका मतलब ये है कि सुलेमान पैगंबर तो साए में रहते थे मगर परिंदे धूप में रहते थे, अपने ऊपर धूप रोकते थे ताकि पैगंबर के ऊपर धूप ना पड़ने पाए। इसका मतलब अजियत परिंदों को होती थी, आराम सुलेमान पैगंबर को मिलता था, मगर हमारा रसूल अरहमुर राहिमीन रहमतुल लिल आलमीन है, अरहमुर राहिमीन के नुमाइंदे हैं, लिहाजा ये गवारा नहीं कर सकते कि किसी परिंदे को उनकी वजह से अजियत हो। लिहाजा परिंदे साया नहीं करते थे, अब्र साया करता था। अरे अब्र में ना जान है न रूह है जिसको अजियत का एहसास नहीं होता। एक सलवात भेजे बरनावा, एक सलवात बरनावा, वे चले जाते थे तो हर से उनका कद जो है बुलंद नजर आता था। अल्लाह को गवारा नहीं था कि कोई रसूल से बुलंद हो सके, सबसे ज्यादा बुलंद कद नजर आते थे, सबसे ज्यादा बुलंद कद। अरे जिधर गुजरते थे नूर ही नूर होता था, जिधर से गुजरते थे वहां खुशबू ही खुशबू, ऐसी खुशबू कि जिसकी कोई मिसल नहीं, ऐसी खुशबू जिसकी कोई नज़ीर नहीं। और नूर अगर चादर ओढ़कर भी लेटते थे तो चादर से नूर छनता था। एक सलवात भेजे बनावास, तफसील बहुत है, तफसील छोड़ते हुए मैं सरा कह रहा कि जिधर से गुजरते थे ऐसी खुशबू जो बेमिस्ल खुशबू कि जो आज तक किसी ने सूंघी हो वो खुशबू महसूस होती थी। और चादर ओढ़कर भी लेटते थे तो चादर से नूर छनता था। बहुत बड़ा मसला हल हो रहा है। दुनिया कहती है कि अली को जो भी फजीलत मिली बाई चांस मिली, इत्तेफाकिया मिली, अरे साहब शबे हिजर बिस्तर पर सोए थे, चादर सरत ओढ़कर सोए थे, अरे का इत्तेफाक से अली मौजूद थे, लिहाजा अली से कह दिया बिस्तर पर लेट जाओ। अगर कोई और होता अली की जगह पर रसूल उसी से कह देते कि तुम बिस्तर पर लेट जाओ, लिहाजा कोई फजीलत नहीं है। मैं कहता हूँ कि मुशरिकों को भी मालूम था, काफिरों को भी मालूम था कि रसूल के जिस्म की क्या फजीलतें हैं। ऐसी खुशबू आती थी जो बेमिसल बेनजीर होती थी, ऐसा नूर निकलता था जो चादर से भी छनता था। अगर कोई और अली के बजाय कोई और लेटा होता तो न वो खुशबू होती न वो नूर होता। अरे अल्लाह ने ऐसे फूल को चादर के नीचे रखा कि खुशबू बदलने ना पाए, और ऐसी नूरानी शख्सियत को रखा कि जिस तरह से रसूल के जिस्म से नूर निकलता था अली के जिस्म से भी दूर निकल रहा था। एक सलवात भेज रहा है, एक सलवात बलंदाबाद। अगर नर्म जमीन पर, मैसरा बयान कर रहा है कि अगर नर्म जमीन पर पैर रख देते थे
तो पैरों के निशान नहीं बनते थे, कदमों के निशान नहीं बनते थे, और अगर पत्थर पर कदम रख देते थे तो पत्थर पर कदमों के निशान बन जाते थे। एक सलवार बदलावा मलिकतुल अरब है जनाब खदीजा, दौलत की कोई इंतहा नहीं है। अब बाद में अक्द होता है, अब रसूलुल्लाह गार हिरा में है। आज भी देखिए गिर जो रसूलुल्लाह के घर पुराना, अब तो उसको कुछ और उन्होंने तो खाना बना दिया, क्या बना दिया है, लेकिन जो जनाब जहाँ आप तशरीफ फरमा रहते थे वहाँ से गार हिरा का फासला तकरीबन 10 किलोमीटर है। मैं तो जा चुका हूँ, गार हिरा भी जा चुका हूँ वहाँ पर, तो 10 किलोमीटर वो भी पहाड़ी रास्ता है, तकरीबन 1000 फीट ऊंची पहाड़ी होगी या शायद इससे भी ज़्यादा फीट ऊंची पहाड़ी होगी, और बहुत ऊबड़ खाबड़ ख़राब रास्ता है जो जवानों को चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, उतरना मुश्किल हो जाता है। गार मलिकतुल अरब है, अरब की सबसे दौलतमंद खातून है, करीजे हैं, ग़ुलाम हैं, नौकर हैं, चाकर हैं, सब कुछ है, लेकिन रसूलुल्लाह के लिए खुद खाना लेकर जाती थीं। गार हिरा में इतनी बुलंदी पर जाती थी और जाती थी, जब वो नौश फरमा लेते थे तो वापस आती थी, दिन में दो मरतबा जाना भी आना भी। तो जनाब खदीजा ने एक बेहतरीन बीवी होने की मिसाल पेश की है कि दौलतमंद है मगर शौहर की खिदमत में कोई कमी नहीं है। एक सलवात भेजे बलनावाद, दो रिवायतें जनाब खदीजा के सिलसिले में, दो रिवायतें हैं। एक रिवायत यह है कि निकाह के वह जनाब खदीजा का 28 बरस का सिन था, एक निकाह है, एक रिवायत यह है, और दूसरी रिवायत ज़्यादा मशहूर है, 28 वाली है, लेकिन दूसरी रिवायत ज़्यादा शिया उलमा ने भी वो रिवायत लिखी है, सुन्नी उलमा ने भी लिखी है कि आपका सिन जो था 40 बरस का था, रसूलुल्लाह का सिन 25 बरस का था और जनाब खदीजा का सिन 40 बरस का था। इसका मतलब है कि शौहर और बीवी में तकरीबन 15 बरस का फ़र्क था। अजीब तवज्जो है, लेकिन आप देखें कि मोहब्बत में कोई कमी नहीं, खिदमत में कोई कमी नहीं, उल्फत में कोई कमी नहीं, आपसी मोहब्बत में कोई कमी नहीं। अरे दोनों मिसाल इस खानदान ने पेश कर दी। बहुत तवज्जो रहे, हमारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए शायद ये नया जुमला हो कि दोनों मिसालें खानदान ने पेश कर दी। यहाँ शौहर 25 साल का है और जौजा 40 साल की है, इसका मतलब यह है कि 15 बरस का फर्क है, 15 बरस जौजा बड़ी है। आम रिवायत के मुताबिक अर्थ कर रहा हूँ, 28 वाली भी रिवायत है, आम रिवायत जो है वो यही है कि जौजा 15 बरस बड़ी है मगर मोहब्बत में कोई फ़र्क नहीं, उल्फत में कोई फ़र्क नहीं, खिदमत में कोई फ़र्क नहीं, और मौला अली और शहजादी फातिमा जहरा में बरक्स मामला है, बिल्कुल बरक्स मामला है। यहाँ मौला अली 24 बरस के हैं वक्त निकाह और शहजादी 9 बरस की हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर शौहर 15 साल बड़ा है, शौहर 15 साल बड़ा है, बीवी 15 साल छोटी है, लेकिन बेहतरीन ज़ौजा का नमूना पेश कर दिया फातिमा ज़हरा ने। एक सलवात भेज बनावा, चक्की पीस रही है मगर जबान पर शिकायत नहीं है, हाथों में छाले पड़ गए हैं मगर हर पे शिकायत नहीं है, हाथों से खून बह रहा है मगर जनाब फातिमा जहरा की जबान पर हल्का सा भी हर पे शिकायत नहीं। बल्कि यहाँ तक रिवायत में है कि आज का मसला ये है कि बीवी की नाजायज फरमाइशों ही से घर में झगड़े पैदा होते हैं, लेकिन वहाँ मामला उल्टा था, कभी जौजा ने शौहर से पूरी ज़िंदगी कोई फरमाइश ही नहीं की। एक सलवात भेजे बलनावा, कभी कोई फरमाइश नहीं, कभी कोई फरमाइश नहीं। मेरे पास तो केसेस आते रहते हैं और दूसरे उलमा जो होंगे के पास ज़्यादा आते हों शायद बुजुर्ग जो हैं, कि ज़्यादातर जो झगड़े होते हैं वो नाजायज़ फरमाइशों की वजह से होते हैं, शौहर का इतनी तनख्वाह नहीं है कि वो गाड़ी ले सके या टीवी ले सके या फ्रिज ले सके, और ज़ौजा मोहतरमा की फरमाइशें हैं कि थमने का नाम नहीं लेती, शौहर की आमदनी महदूद है और मोहतरमा की फरमाइशें लामहदूद है। एक सलवात भेज,
सुनिए, मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लेना है। हुजूर सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद सुन ले, बस खत्म हो रही है, इरशाद सुन ले। आप देखें कि मैदान हश्र में, मैदान हश्र इतनी गर्मी होगी, इतनी शिद्दत की गर्मी होगी कि लोगों की जबानें लटकी हुई होंगी गर्मी से, प्यास की शिद्दत से जबानें लटकी हुई होंगी। रसूल ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई औरत, कोई खातून ये चाहती है कि हश्र की गर्मी से महफूज रहे, हश्र की प्यास की शिद्दत से महफूज रहे, और मेरी बेटी फातिमा जहरा के पहलू पहलू मैदान हश्र में आ जाए, तो अपने अपने शौहर के फख्र पर सब्र करती रहे। अगर अपने शौहर की गरीबी पर सब्र करती रही और कोई हर्फ शिकायत उसकी जबान पर नहीं आया, तो मैदान हश्र में मेरी बेटी के साथ साथ वो मैदान हश्र में होगी। एक सलवात भेजे बनावा, और मजलिस में पढ़ चुका हूँ मैं, लेकिन यहाँ पर आखिरी कलाम करना चाहता हूँ कि फरमाइश की भी तो अली के इसरार पर की, मौला के इसरार पर। ए बिद रसूल, आप तो कभी फरमाइश ही नहीं करती, आप तो कभी कुछ मांगती ही नहीं, क्या मुझसे रसूल ने कह दिया कि कभी अली से फरमाइश न करना, कि अगर तुमने फरमाइश कर दी और अली उसे पूरा न कर सके तो अली को अज़ियत होगी, अली को तकलीफ होगी, लिहाजा मैं फरमाइश कभी आपसे नहीं करती हूँ। क्या नहीं, नहीं, कोई फरमाइश तो कीजिए, कोई फरमाइश तो कीजिए। फरमाइश क्या की, या अली अगर आपके सरार है तो जब मेहनत और मजदूरी करके पलटें तो एक अनार ले लीजिएगा मेरे लिए। कितनी मामूली सी फरमाइश है, कितनी अदना सी फरमाइश है। पहली मरतबा जौजा ने फरमाइश की थी, मौला अली मेहनत मजदूरी करके पलट रहे हैं, रास्ते में अनार लिया, अनार लेकर चले, अभी घर से थोड़ी ही दूर रह गए थे कि कानों में किसी मरीज की आवाज़ आती है, किसी के कराहने की आवाज़ आती है, कहीं कोई कोई आलम मर्द में कराह रहा है, कोई आलम तकलीफ में है। अली के कदम वहीं पर रुक गए, मरीज की आवाज़ सुनकर अली के कदम वहीं, या तो जल्दी जल्दी जा रहे थे घर की तरफ कि पहली मरतबा बिद रसूल ने फरमाइश की है वो मैं फरमाइश पूरी करूं, और इधर किसी मरीज की आवाज़ सुनी, उधर अली के कदम वहीं पर थम गए। जुमला नज़र करना चाहता हूं, अगर मरीज़ की कराह सुनकर अली के कदम न रुकते तो अली अपनी निगाहों में अली न रहते। पहुंचे, देखा एक मरीज है जो आलम मर्ज में कराह रहा है, बैठ गए, मरीज़ का सर अपने दानों पर रखा, क्या हाल है का आका, मर्ज की तकलीफ मुबतला हो, क्या कोई चीज़ चाहते हो तुम, कोई फरमाइश है? कहा कि हाँ या अली, अगर कहीं से अनार मिल जाता तो शायद मेरे मर्ज में कुछ इफाका हो जाता। पहली मरतबा ज़ौजा ने फरमाइश की है, मगर तारीख गवाह है, मौला ने उस अनार को दो हिस्सों में बांटा, आधा आधा किया, आधा हिस्सा सोचा कि मरीज को दे दिया जाए और आधे ही पहुँच जाए अनार घर में, आधा अनार जो मरीज खा चुका। तो अब मौलाना फिर पूछा कि अब भी कोई तमन्ना, कोई ख्वाहिश, कही यारी आधा अनार अगर और मिल जाता तो शायद मेरा मर्ज बिल्कुल अच्छा हो जाता। अब कितनी सख्त मंजिल थी मौला अली के लिए, कितनी इम्तिहानी मंजिल थी मौला अली के लिए, कि सोचा था आधा ही अनार वापस ले जाएंगे, लेकिन अब जब उसने कहा कि आधा अनार और मिल जाए तो पूरा अनार उस मरीज को पहुँचा दिया। उसके बाद अब अली खाली हाथ घर में आए, जैसे खाली हाथ घर में आए, घर के अंदर दाखिल हुए, देखा शहजादी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, शहजादी मुस्कुरा रही है। कहा फातिमा ए बिद रसूल, आप मुस्कुरा क्यों रही हो, क्यों नहीं मुस्कुरा रही आप? कहा या अली, मैंने तो एक अनार की फरमाइश की थी आपसे, आपने तो पूरा अनारों का तश्त भिजवा दिया, पूरा अनारों का तश्त भिजवा दिया। का क्या वाकया है? क्या अभी आपके तशरीफ लाने से चंद लम्हों पहले, चंद लम्हों पहले दरवाजे पर आवाज आई कि अनार ले जाइए, किसने भिजवाए? आने वाले ने कहा अली ने भिजवाए हैं, अली ने भिजवाए हैं। मौला ने फरमाया कि जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदा था वो तो मैं मरीज को खिलाया, उसके बदले में ये अल्लाह ने जन्नत से,
ये अनार तुम्हारे लिए भेजे हैं। मगर यहाँ पर आखिरी जुमले नज़र करना चाहता हूँ, मैंने जनाब जरा को भी पढ़े थे जुमले, यहाँ भी अर्ज करना चाहता हूँ कि आने वाला मलक है, आने वाला फरिश्ता है, लाने वाला मलक और फरिश्ता है। फरिश्ता कभी झूठ नहीं बोलता, मलक कभी झूठ नहीं बोलता। अब सवाल यहाँ पर यही होता है कि जब अली ने भिजवाए नहीं थे, देखिए सवाल पैदा होता है कि नहीं पैदा होता है कि जब अली ने भिजवाए नहीं थे तो मलक ने कैसे कह दिया कि अली ने भिजवाए, क्या झूठ बोल दिया मसलहतन, क्या गलत बयानी कर दी? नहीं, तवज्जो रहे, मलक झूठ नहीं बोलता, मलक गलत बयानी नहीं करता, मलक ने बिल्कुल सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था, अली ही ने भिजवाए थे, क्योंकि अल्लाह के एक नाम में नाम अली भी है। इस अली ने जमीन पर उसकी राह में दिया, उस अली ने फलक पर फलक से पूरा दस भिजवा दिया, एक सलवार भिजवा, यह है किरदार अहले बैत कि अपनी जरूरतों पर दूसरों की जरूरतों की तरजीह। यही वजह है कि हरे की मदद, हरे की मदद, किसी ने भी मदद के लिए पुकारा तो अहले बैत मदद के लिए मौजूद है। तो जब मुसलमान मदद के लिए पुकारे तो अहले बैत मदद के लिए मौजूद, और अगर इस्लाम मदद के लिए पुकारे तो क्या अहले बैत जवाब नहीं देंगे? जब इस्लाम ने मदद के लिए पुकारा तो अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ इस्लाम को बचाने के लिए नजर कर दिया। यकीन रखे, यकीन रखे कि किसी ने पूछा हमारे एक बहुत बुजुर्ग आलिम से, किसी ने पूछा कि अगर वाकई करबला ना हुआ होता तो क्या होता, अगर वाकई करबला ना हुआ होता तो क्या होता? कहा कि इसके लिए तो बड़ी तफसील की गुंजाइश है, इसमें तो उसमें तो बहुत सी तकरीरें हो सकती है कि वाकई करबला अगर ना हुआ होता तो क्या होता इस्लाम में। कहा नहीं, आप मैं चाहता हूँ कि आप एक मिनट के अंदर बयान कर दीजिए कि अगर वाकई करबला ना हुआ होता तो इस्लाम में क्या होता। तो उनका बस इतना सुन लीजिए कि अगर वाकई करबला ना हुआ होता तो जुमे की नमाजें बुध को होती रहती, जुमे की नमाजें बुध को होती रहती और कोई एतराज़ की जरूरत करने वाला ना होता तो इस्लाम बदल चुका होता, शरीयत बदल चुकी होती, दीन बदल चुका होता। क्योंकि बादशाहों के दीन के साथ अवाम भी चल पड़ते हैं, लिहाजा बिल्कुल दीन बदल जाता, शरीयत बदल जाती। ये इमाम हुसैन ने अपने गले की खून की धार से इस बिदतों के तूफान को रोका है जो आज इस्लाम हमें मिल रहा है। तो इमाम हुसैन ने इस्लाम बचाया, इमाम हुसैन ने इस्लाम बचाया और उनकी बहन जैनब ने हुसैनियत को बचाया। आज जो यज़ादारी है, आज ये मातम है, आज ये फर्श अज़ा है, ये किसका तुफ़ैल है? ये तुफ़ैल है उस बहन का कि जिसका नाम जैनब है, कि जिसके हाथों में रस्सियाँ बंधी हुई हैं, जिसके हाथों में रस्सियाँ बंधी हुई हैं, जिसके सर के ऊपर चादर नहीं है, वो बीबी कि जिसकी आवाज़ कभी किसी नामहरम ने नहीं सुनी। एक मोमिना के सारे सवाब की मजलिस, एक अहले बैत की करीज के सारे सवाब की मजलिस है कि जिसके लिए मुझे बताया कि बेइंतहा नमाजी, परहेजगार, उसी के साथ साथ बेहतरीन अज़ादार थी। अज़ादारी में पूरी ज़िंदगी शर्फ हो गई, अज़ादारी में पूरी ज़िंदगी को उन्होंने अपने बिता दिया। एक बेहतरीन अज़ादार खातून, मैं चाहता हूँ चंद जुमले इसकी रूह के शाद करने के लिए, सारे सवाब के लिए शहजादी ज़ैनब का तस्करा हो जाए कि आज जो अज़ादारी है ये क़ुरबानी के तुफ़ैल है जो शहजादी जनाब ज़ैनब ने दी है। वो क़ुरबानी ऐसी जो अहले बैत में सबसे बड़ी क़ुरबानी थी, इससे बड़ी क़ुरबानी किसी ने नहीं दी अहले बैत में, कि जितनी क़ुरबानी जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम उन बीवियों ने दी है। क्योंकि इनके लिए मरना आसान था, इनके लिए गला कटवा देना आसान था, इनके लिए तीरों और तलवारों से जिस्म के टुकड़े उड़वा देना आसान था, लेकिन बीवियों का बाजारों में बेपर्दा आना ये इनका सख्तरीन इम्तिहान था, सख्तरीन इम्तिहान था।
इसीलिए जब भी इमाम हज़रत से पूछा जाता था कि आका सबसे ज़्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी, सबसे ज़्यादा मुसीबतें कहाँ पड़ी, तो आका ने कभी करबला का नाम नहीं लिया, बल्कि फरियाद करते थे अश्शाम अश्शाम अश्शाम। इस तरह से दलील और रुस्वा करके बाजार में ले जाया जा रहा था कि जैसे कोई जंजबार का गुलाम हो कि जिसका कोई नासिर मददगार न हो। 35 साल रोते हुए गुजरे, हाथ जोड़कर कहा किसी ने, आका कब तक रोइएगा, कब तब कीजिएगा? अरे 35 साल गुजर गए हैं, का इंसाफ नहीं किया तुमने? अरे याकूब को मालूम था कि यूसुफ जिंदा है, मालूम था कि मुलाकात हो जाएगी, तो जिनसे मुलाकात का यकीन था, जिनके बारे में इल्म था कि जिंदा है, उस जिंदा यूसुफ के लिए याकूब इतना रोए कि आँखों की पीनाई चली गई। मैंने तो अपनी निगाहों से 18 यूसुफों की लाशें देखी है कि जिनसे क़यामत से पहले मुलाकात रहोगी। वो शख्स हाथ जोड़ कर कहता था, आका अरे ये शहादत तो आपके लिए सब फजीलत है, और ये दीन के लिए जान दे देना ये तो आपके ख़ानदान की मीरास है, ये तो आपके ख़ानदान का शरफ है। कहा कि हाँ सही कहा तुमने, शहादत हमारे लिए बनी है और हमारे ख़ानदान का की मीरास ये है कि हमने दीन के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, मगर क्या हमारे लिए भी सब में फजीलत है? क्या हमारी मीरास ये भी है कि हमारी माँ और बहनें और फूफियाँ बाजारों में रसन बसाए? अरे जब शायद हमारे इमाम ने मंजर देखा होगा तो दिल का क्या आलम हुआ होगा। इससे अंदाजा कीजिए खुद शहजादी ज़ैनब का क्या आलम हुआ होगा। रिवायत कहती, बस आखिरी जुमले याद करना चाहता हूँ कि जब शाम में काफिला पहुँचा है तो शाम के 7 दरवाजे थे कि जिनसे इन बीवियों को गुजरना था। बस आखिरी जुमले सुन लीजिए, 7 दरवाजों से गुजरना था। पहले दरवाजे से बीवियाँ गुजरी, सब बीबियों का अजीब आलम था, हर एक बीबी घबराई हुई थी कि किस तरह से भरे हुए दरबार में बेचादर जाएंगे। जनाब ज़ैनब सबको समझा रही थी, सबको सहारा दे रही थी, अरे मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। दूसरा दरवाज़ा गुजरा, जनाब ज़ैनब तमाम बीबियों का दिल संभाल रही है, सहारा दे रही है, अरे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घबरा रही है क्या बात है। तीसरा दरवाज़ा गुजरा, चौथा दरवाज़ा गुजरा, पांचवा, छठा, जनाब ज़ैनब सबको सहारा दिए हुए, अब 7वां दरवाज़ा है, इसके बाद दरबार शाम है, इसके बाद वो 700 कुर्सी नशीर है कि जिसमें मुसलमान कम ईसाई यहूदी ज्यादा, तो वही ज़ैनब जो सबको संभाल रही थी। जैसे 7वां दरवाजा आता, रिवायत कहती ज़ैनब जमीन पर बैठ गई, ज़ैनब जमीन पर बैठ गई, ए शहजादी आपको क्या हुआ? कहा नहीं नहीं घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, अरे मेरे बाबा को वादा कर गया है, बाबा ने चलते वक्त वादा किया था, ए ज़ैनब अरे जब दरबारी यज़ीद करीब आए तो तुम मुझे पुकार लेना, मैं तुम्हारा सहारा बनकर आ जाऊंगा, मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ, मेरा बाबा आए ताकि मैं दरबार में दाखिल हो। अदादार शहजादी दरबार में दाखिल हुई, रिवायत कहती है यजीद कहता है कि शिमर मैं चाहता हूँ कि ज़ैनब से बराह रास गुफ्तगु हो जाए, ज़ैनब से बराह रास बात हो जाए। अरे अली की बेटी ज़ैनब किधर है, हुसैन की बहन ज़ैनब किधर है? शिमर इशारा करता है कि ये जो करीजों की झुरमुट में बालों से अपने चेहरे को छिपाए हुए कमर झुकाए हुए खड़ी हुई है, ये हुसैन की बहन ज़ैनब है, ये अली की बेटी ज़ैनब है। यजीद हुक्म देता है कि सामने सारी करीजों को हटा दिया जाए। एक बलून कोड़ा लेकर आगे बढ़ता है और इतने कोड़े मारता है कि सामने सारी करीजें हट जाती हैं। तारीख कहती है एक बूढ़ी करीज कि जिसके सर के बाल सफेद, वो सामने खड़ी हुई, उस पर कोड़े पड़ रहे हैं, मगर वो कह रही मैं मर जाऊंगी, मैं जान दे दूंगी, मगर मैं शहजादी के सामने से हटूंगी नहीं। देख नहीं रहे हो कि अली की बेटी के सर पर चादर नहीं है, सामने से कैसे हट जाऊँ? यजीद को गुस्सा आ गया, अरे बड़ी
बड़ी गुस्ताख कनीज है, इसको कत्ल कर दिया जाए, इसका सर कलम कर दिया जाए। ये कौन है? ये जनाब फिजा है, बुढ़ापे का आलम है, सर के बाल सफेद, जल्दा तलवार लेकर आगे बढ़ा। फिजा हबश की रहने वाली, चारों तरफ देखा कि शायद कोई मददगार मिल जाए। देखा यजीद की पुश पर हबशियों का एक दस्ता तलवार लिए खड़ा हुआ है। उन्हीं को आवाज दी, ए हबश के जवानों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया कि तुम्हारे इलाके की एक खातून कत्ल की जा रही है और तुम तमाशा देख रहे हो। उनको गैरत आ गई, यजीद के सामने तलवारें लेकर आ गए। ए यजीद, जल्लाद को वापस बुला ले, वरना अभी दरबार में खून की नदियां बह जाएगी। यजीद खौफजदा हो गया, जल्लाद वापस हो गया, फिजा बच गई, मगर ज़ैनब तड़प गई। तड़प कर रुख किया मदीने का, ए नाना, अरे आपकी कनी के इतने बचाने वाले, मगर आपकी औलाद करबला में जबा हो गई, कोई मदद को नहीं आया। रसर बस्ता बाजार में खड़ी है, दरबार में मौजूद है, मगर कोई मदद करने वाला नहीं। तो यालमुल लजीन अय्यमन कलब यनकलबून अल्लाह लअनतुल्लाह अलल कौम الظالمین। गुजारिश एक मरतबा सूरह हम और तीन मरतबा सूरह तौहीद की तलावत फरमाकर नसीन बानो साहिबा मरहूमा बिनते मौलाना सैयद अली माहिर साहब मरहूम की रूहों को इसाले सवाब फरमा दीजिए। Hey.